अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज लेक्चर 4 में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर नंबर 5, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, इसके कंसेप्ट जो हैं वो समा उसी तरह के हैं जैसे आपके चैप्टर नंबर 3 के थे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। लेकिन वहाँ पे हमने एक सिंगल पार्टिकल की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी एक बड़ी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन भी हमने वेरी स्टार्ट लेक्चर हमने पढ़ी थी। रिजिड बॉडी क्या होती है? जो बहुत से नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी होती है, और उनमें पार्टिकल जो हैं उनकी पोजीशन, अगर हम उन पर उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, तो बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, जो पार्टिकल का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दरमियान में डिस्टेंस होता है वो सेम ही रहता है, यानी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है Conditions for rigid body equilibrium. In this section, we will develop both the necessary and sufficient conditions required for equilibrium of a rigid body. हम देखेंगे कि rigid body के equilibrium में होने के लिए कौन सी conditions जो है वो necessary है। To do this, consider the rigid body in figure 5.1a. आप इसमें देखिए, ये एक rigid body show की गई है जो कि बहुत से particles से मिलकर बनी हुई है, और इसमें एक particle I जो है वो आपको शो भी किया है। और इस रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लाइक F1, F2, F3, F4, यानी ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको शो किया गया है कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। ये फोर्सेस कोई भी फोर्सेस हो सकती हैं, कोई दूसरी बॉडी भी अप्लाई कर सकती है, ये ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकती है, ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकती है। तो बहुत सी ये एक मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको शो किया गया, हो सकता है सिर्फ एक ही फोर्स हो ग्रेविटी की, हो सकता है कोई कांटेक्ट फोर्सेस और भी हों। तो एज एन एग्जांपल शो किया हुआ है कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर सकती हैं। ओके, टू डू दिस कंसीडर द रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी शो की गई है विच इज फिक्स्ड इन द एक्स वाई जेड रेफरेंस, एक्स वाई जेड प्लेन में वो फिक्स्ड है, एंड इज ईदर एट रेस्ट और मूव्स विद द रेफरेंस एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। और या तो ये रेस्ट पे होगी और या ये मूव कर रही होगी विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी है ये क्या इक्विलिब्रियम में है, इन अ सेंस कि ये रेस्ट पे है या ये मूव कर रही है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही या नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। ओके, देन क्या है, अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द आर्बिट्रेरी आई पार्टिकल ऑन द बॉडी इज शोन इन फिगर 5। ये तो शो की गई पूरी बॉडी ना, रिजिड बॉडी। अब इसका कोई एक पार्टिकल है आई पार्टिकल, उसको अलग से यहाँ पर शो किया हुआ है, और उसमें सिर्फ दो फोर्सेस शो की गई हैं, एक कैपिटल एफ आई और एक स्मॉल एफ आई। अब जो स्मॉल, ये जैसे आगे सारा लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझा रही हूँ कि जो स्मॉल एफ आई है वो क्या है, और फिर कैपिटल एफ आई क्या है, और ये पार्टिकल आई है जो कि ऑरिजिन से जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है, आर आई। सो द रिजल्टेंट इंटरनल फोर्सेस, एफ आई क्या है, इंटरनल फोर्सेज, यानी टोटल सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आई। तो ये क्या है कि ये एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन के जो फोर्सेज होंगी वो होंगी एफ आई, यानी एक ही रिजिड बॉडी के अंदर जो फोर्सेज होंगी इस पार्टिकल की वजह से जो दूसरे पार्टिकल पर लग रही है, या इस पार्टिकल पर लग रही है दूसरे पार्टिकल की वजह से, उसको हमने शो किया स्मॉल एफ से। ठीक है, और कैपिटल एफ क्या है, द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, यानी जो भी बैरूनी फोर्सेस इस पर लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, लाइक वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्सेज बिटवीन द अर्थ पार्टिकल। ठीक है, वो फोर्सेज जो हैं वो हमने किससे शुरू किया हुआ है, उसको हमने एफ आई से शुरू किया हुआ। ठीक है, और एफ आई स्मॉल एफ आई क्या है, इंटरनल फोर्सेस एंड एडजेसेंट बॉडीज ऑन पार्टिकल नॉट इंक्लूडेड इन द बॉडी। इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम देन अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वी हैव, हमें पता है कि क्या होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और ये तो एक पार्टिकल के लिए है ना, अगर हम व्हेन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द अदर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन निकलेगी, इसी तरह जे पार्टिकल के लिए होगी, इसी तरह के पार्टिकल की होगी, और फिर हम जब सब पार्टिकल्स की इक्वेशन को ऐड करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ऑल पार्टिकल्स प्लस सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स दे मस्ट बी इक्वल्स टू
ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, अब इंटरनल फोर्सेस पे आते हैं। अब देखिए वो कहता है कि जो हमने कहा कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द पार्टिकल्स, अब ये ऑल द पार्टिकल्स के आई जे के हर एक के एक्सटर्नल फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, हर एक इंटरनल फोर्सेस को ऐड करेंगे, उन सबको क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर हम इंटरनल फोर्सेस को देखें तो अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी है और वो स्टेबल है तो उसका सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस वो वैसे ही किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि अगर दो पार्टिकल्स हैं और वो एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रही हैं तो जितनी आई जो है वो जे पे लगा रही होगी उतनी ही जे जो है वो आई पे लगा रही होगी, तो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस वैसे ही क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल इक्वल, सिंस द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स विद इन द बॉडी विल अकर इन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शंस, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगी, इसलिए वो सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो फिर अगर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस जीरो हो जाएंगी तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और उसको अगर हम सिंपल एक्स से शो कर दें तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, यानी एक बॉडी के ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हैं उनको क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। सेम वही इक्वेशन आ गई है जो हमारे पास कहाँ पे थी, जब हमने पार्टिकल की नहीं पढ़ी थी, वहां पे भी यही था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। लेट अस कंसीडर द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो जब हम बॉडी को देखेंगे, रिजिड बॉडी को, फिर हम उसमें मूवमेंट्स को भी देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स भी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे हमने जब सिंपल पार्टिकल के लिए पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ते थे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल एफ वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे हम जब टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन में आएंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्सेस की, के जी जो मोमेंट है फोर्सेस के वो भी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। लेट अस नाउ कंसीडर द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आयर्थ पार्टिकल। उसी आयर्थ पार्टिकल के जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो अब आप देखिए उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए होगा आर आई, ठीक है ना, जो कि डिस्टेंस होता है, पोजिशन वेक्टर चाहिए होगा। तो आर आई क्रॉस एफ आई प्लस एफ आई, तो आर आई क्रॉस एफ आई भी हो जाएगा, आर आई क्रॉस एफ आई भी हो जाएगा स्मॉल एफ आई के साथ भी, यानी मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, आर जो डिस्टेंस है उसका मोमेंट आर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्सेस से। तो अगेन फोर्सेस क्या है, जो हमने पहले पेज पे देखी थी, ये एफ आई प्लस स्मॉल एफ, तो ये फोर्सेस आ जाएंगी। इसको आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये तो एक पार्टिकल के लिए है, अगेन जैसे हमने कहा था कि सब पार्टिकल्स के लिए देखेंगे तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ, समेशन का साइन लगा देंगे कि ये आई पार्टिकल के लिए तो ये इक्वेशन है, लेकिन आई जे के सब के पार्टिकल्स के जो आर होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके एफ के साथ, और आर आई को मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई के साथ, तो वो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें ना तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, सेकेंड टर्म क्यों जीरो हो जाएगी, द इंटरनल फोर्सेज अकर इन इक्वल बट ऑपोजिट कोलिनियर पेयर्स एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ फोर्सेज अबाउट पॉइंट ओ इज जीरो। तो जितनी भी इंटरनल फोर्सेज हैं, हमने पहले ही कहा था कि एक पार्टिकल, एक रिजिड बॉडी के अंदर बहुत से पार्टिकल्स जब होते हैं आई जे के, तो वो हर कोई एक दूसरे पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स ही लगा रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, आर आई इंटू कैपिटल एफ, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस रह जाएंगी। तो उसको हम शो कर देते हैं किससे, एम ओ से। तो अब ये इक्वेशन बन गई कि सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, फॉर बॉडी इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, और ये फोर्सेस सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ अ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये सारे मोमेंट्स क्या हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट्स है वो है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दीज इक्वेशंस रिक्वायर दैट अ रिजिड बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो एंड द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये है आपके पास कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। अगर आपसे पूछा जाए
व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर बॉडी रिजिड बॉडी. ये है रिजिड बॉडी की एक्सप्लेनेशन के सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस और सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. The fact that these conditions are necessary for equilibrium has now been proven. They are all sufficient for maintaining equilibrium. तो यही सारी forces हैं जो आपके पास ज़रूरी हैं. ठीक है. To show this, let us assume that the body is in equilibrium and the force system acting on the body satisfies equation 5.1. Suppose that an additional force is applied to the body. As a result, the equation becomes. अगर कोई additional force बनेगी तो फिर उसको हम इसमें add कर देंगे. इसी तरह अगर कोई एडिशनल फोर्स बनेगी तो उसको हम इसमें भी ऐड कर देंगे. ठीक है ना. तो अगर आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो है तो एफ डैश भी क्या हो जाएगी, मस्ट बी इक्वल टू जीरो. इसी तरह तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वेयर एमओ डैश इज द मोमेंट ऑफ एफ डैश अबाउट ओ. सिंस सम ऑफ ऑल एफ इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, देन वी रिक्वायर एफ डैश मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो एम डैश ओ इज इक्वल टू जीरो. Consequently, the additional force F naught is not required, and indeed, equation 5 dash are also sufficient conditions for maintaining. अगर कोई additional forces लग भी रही हैं तो उसको आप अगर ignore भी कर देंगे तो it's perfectly fine too, क्योंकि sum of all the forces जो है वो क्या है आपके पास zero है. Many types of engineering problems involve systematic loadings and can be solved by projecting all the forces acting on the body onto a single plane. And in so in the next section, the equilibrium of a body subjected to a coplanar or two-dimensional force system will be considered. अब हम इसको next section में देखेंगे कि इनके हम free body diagram और equilibrium in two dimensions वगैरह को किस तरह से जो है वो देखते हैं.